सभापति जी बैतूल जिले की बांछा गांव हम 2007 से यहां पर एक बड़ा क्राइम नहीं हुआ है। उनके द्वारा ये रुद्राक्ष का पेड़ यहां पर लगाया गया है। पिछले बार तो 7 देशों के शोधार्थी विद्यार्थी भी इस ग्राम में देखने के लिए आते हैं। हर घर के सामने आपको डस्टबिन नजर आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी साफ सफाई है। इतनी साफ सफाई तो हमको शहरों में भी देखने को नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हेमू व्लॉग्स पर। फ्रेंड्स, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने बैतूल जिले पर गर्व महसूस होगा। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे गांव में जो सिर्फ जिले और प्रदेश पर ही नहीं पूरे राष्ट्र लेवल पर अपनी छाप छोड़ चुका है। यहाँ तक कि इस गांव की चर्चा राज्यसभा में भी हो चुकी है और हाल ही में यहाँ पर हमारे प्रदेश के माननीय महामहिम छगन भाई पटेल भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने, मैं किस गांव की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ बात आदर्श ग्राम बाचा की। दोस्तों, आदर्श ग्राम बाचा ने बैतूल जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। तो दोस्तों, क्या है इस गांव में ऐसा जो इसने इस लेवल पर अपनी ख्याति प्राप्त करी है? तो चलिए, मैं ये सारी चीजें आपको गांव पहुंचकर ही, सॉरी, आदर्श ग्राम पहुंचकर ही आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं गांव की ओर। ये मच्छी ढाबा सामने दिख रहा है और यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो हम आ जाएंगे बाचा। बाचा के लिए लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। दोस्तों, हम आ गए हैं गांव के रानीताल बाचा के पास, जो कि रानी दुर्गावती को समर्पित है। गोंडवाना राज्य की रानी वीरांगना रानी दुर्गावती, जो कि स्वतंत्रता की लड़ाई में एक बहुत बड़ा जिन्होंने रोल प्ले किया था, जो कि जबलपुर से थी। तो आइए देख लेते हैं इस तालाब को। बाचा के बाद ही हम गांव में एंटर होते हुए आप साफ सफाई देख सकते हैं। ये हम गांव में एंटर कर रहे हैं। ये गांव में एंटर होते ही सबसे पहले पशु पेयजल है। कोई भी मवेशी अगर गांव में आ रहा है तो उसको पानी सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं गांव के स्कूल में। जिले का पहला ही ऐसा स्कूल है, सरकारी स्कूल, जो डबल मंजिल का है, माध्यमिक शाला में। और इस स्कूल की एक विशेष बात यह है कि इसमें जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग दी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये स्कूल में ऊपर आप देख रहे हैं ये पाइप लगे हुए हैं, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। मतलब बारिश से आने वाला जितना भी बारिश का जल है उसको ये लोग सेव कर लेते हैं। जी, पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग दी है। और ये वही हेडपम्प के लिए, जितना वेस्ट जा रहा है हेडपम्प रिचार्ज भी, हेडपम्प से आने वाला वेस्ट पानी को यहाँ पर फिर वही डम कर लेते हैं और यहीं से फिर वो पानी, मतलब वाटर लेवल जो है इनका बना रहता है इस वजह से। तो दोस्तों, देखा आपने यहाँ पर कैसे इस मिडिल स्कूल में इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा सेटअप लगाया हुआ है। अभी भी आपको मेरे पीछे यहाँ पर दिख रहा होगा पाइप्स में, यहाँ पर पूरा बारिश का जो जल है उसको ये लोग एकत्रित करके एक जगह सेव कर लेते हैं, जिससे कि वाटर लेवल बना रहे। और इस स्कूल में एक चीज़ और है विशेष, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, ये वाला पेड़, और ये रुद्राक्ष के पेड़ माननीय राज्यपाल महोदय अभी कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे, तो उन्हीं के कर कमलों द्वारा ये इस पेड़ को लगाया गया था। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कैसे ये गांव बाचा बाकी के गांवों से अपने आप को डिफरेंट शो करता है, कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है जिस कारण वो आदर्श ग्राम बाचा कहलाता है, एक आइडल बना हुआ है बाकी गांवों के लिए। दोस्तों, आप वीडियो में साफ सफाई बिल्कुल देख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी साफ सफाई है, कितना साफ सुथरा ये गांव नजर आ रहा है। इतनी साफ सफाई तो हमको शहरों में भी देखने को नहीं मिलती जितनी हमको मुझे इस गाँव में देखने को मिल रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं, नॉट अ पीस ऑफ पेपर और पॉलीथीन आपको बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई देगा। एकदम साफ सफाई, और घरों की बनावट आप देख सकते हैं, मतलब बाकायदा बाउंड्री इन्होंने बनाई हुई है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, साफ सफाई आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। और हर घर के सामने आपको सोलर सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो ये आ गए हैं हम आदर्श ग्राम बाचा।
गांव की पूरी डिटेलिंग यहाँ पर दी है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि हर घर के सामने ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सभी घरों में ये, मतलब सभी घरों में सोलर पैनल निकल जाएंगे। अगर जिन घरों के सामने नहीं दिख रहे हैं, इनके इस घर के पीछे लगे हुए हैं सोलर पैनल। और आपकी साफ़ सफाई आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हर घर के सामने आपको डस्टबिन नज़र आ जाएगा, हर घर के सामने, मतलब एक एक घर के सामने ये इस तरीके से डस्टबिन नज़र आएगा। और डस्टबिन पर बकायदा पेंट किया हुआ है कि आदर्श ग्राम बाचा, तो आप समझ गए होंगे कि ये बाचा गांव आदर्श ग्राम बाचा क्यों बना। इसके पीछे का रीज़न, इस घर के सामने भी डस्टबिन है, वो सामने वाले घर के सामने भी डस्टबिन है, सभी घरों के सामने डस्टबिन आपको नज़र आएगा। और चौपाल के सामने तो आपको ग्रीन एंड ब्लू दोनों ही डस्टबिन नज़र आएंगे, मतलब आपको ड्राई वेस्ट और गीला कचरा कहाँ फेंकना है वो आपका यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और ये जो घर आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया घर है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर घर है, यहाँ पर बढ़िया गमले वमले रखे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई है। तो ऐसा घर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, मतलब ये समझ लो कि अभी तक जो मैंने घर देखा है उसमें सबसे अच्छा घर है ये इस आवास योजना के तहत। इस घर के सामने भी आप डस्टबिन देख रहे हो, बाकायदा गार्डनिंग वगैरह की गई है। जो इसमें राशि कितनी थी, केंद्र राशि कितनी है, राज्य राशि कितनी है, टोटल राशि मतलब 120,000 में ये बना हुआ है। ये हितग्राही मूलक सोकपीट है, जिसे घर का पानी घर में रहे को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, जो कि बनने के बाद कुछ इस तरह नजर आएगा। ग्रामीण मतलब अनिल भैया से मिले हैं, ये यहीं पे निवासी। और ये जो मकान मैंने भी आपको दिखाया था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास वाला, वो इनका ही मकान था। तो इनसे कुछ बात कर लेते हैं गाँव के विषय में। तो अनिल भैया, यहाँ पर ये जो आपने जो इतना आपका साफ स्वच्छ जो गांव है, तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके लिए मतलब कि कैसे आपने सोचा कि इतना स्वच्छ गांव बनाया जाए, इसका जो भी आइडिया? यहाँ पर 2009 से विद्या भारती जनजाति शिक्षा का कार्य चलता है, जो जनजाति क्षेत्र में काम करता है। तो उसका काम यहाँ पर शुरुआत 2009 से हुआ। तब से वो प्राइमरी स्तर के छोटे बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम करता है। तो उसके साथ साथ में सामाजिक सरोकार के काम भी हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसी की प्रेरणा से, और जो भारत भारती आवासीय विद्यालय के सचिव है श्री मोहन नागर जी, उनकी प्रेरणा से जी। और शासन भी इस प्रकार के स्वच्छता के लिए कुछ आयोजन चलाते रहता, तो उससे प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर के, और गांव को साफ स्वच्छ बनाने के लिए शुरुआत में कुछ लोगों के साथ में मिलकर के हम लोग स्वच्छता अभियान चलाए, जैसे स्कूल की साफ सफाई करना, हैंडपंप के पास जाकर साफ सफाई करना, या फिर मंदिर के पास जाके, इस प्रकार से हमने काम स्टार्ट किया था। और धीरे धीरे अब वो पूरा गाँव स्वच्छ हो गया है, और 2017 में इस गांव को जिले से स्वच्छता का पुरस्कार भी मिला है। अरे वाह। तो फिर लोगों के मन में ये चीज बैठ गई कि अब हमको साफ स्वच्छ रखना है। फिर जल संरक्षण को लेकर भी हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, तो उसमें भी शुरुआत में बहुत कम लोग जा पाते थे, क्योंकि समझते थे कि ये तो शासन का काम है। लेकिन हम लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से महिला समूह के जो बैठकें होती है उसमें जा जाकर लोगों को समझाया कि पानी बचाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, बाकी जगह पे पानी की बहुत समस्या है। तो धीरे धीरे हमने ये काम बोरी बंधान के माध्यम से शुरू किया, और यहाँ पर अब बाहर के भी लोग देखने आते हैं उस बोरी बंधान में, और कलेक्टर महोदय, सांसद महोदय, और पिछले बार तो 7 देशों के शोधार्थी विद्यार्थी भी इस ग्राम में देखने के लिए आए थे जल संरक्षण के कार्य को, जापान से और रसिया से। तो और फिर उसके बाद हमने फिर जल संरक्षण को लेके नदियों से अब घर का पानी घर में रोकने के लिए, हाँ। सोकपिट घर के पीछे जो बारिश का पानी बहकर जाता है, तो उसके लिए हमने छोटा सोकपिट बनाया। अब वो पूरे गांव भर में हम लोगों ने हर घर में बनाया है, और अब उसमें हमको शासन का भी सहयोग मिल पा रहा है। अच्छा। फिर हम लोग वृक्षारोपण के विषय में भी हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ रोड के किनारे पे कुछ समय 8 से 10 साल पहले आप देखते तो यहाँ पर रोड के किनारे पेड़ पौधे बहुत कम संख्या में थे, लेकिन अब हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, और अब आप यहाँ घूमोगे तो हरियाली आपको मिल जाएगी। और 2007 से यहाँ पर कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ है थाने में जाकर के, कोई बहुत ही संवेदनशील मामला रहे तो फिर उसके लिए हम लोग सलाह करके और
सरपंच और गांव कोटवार के माध्यम से थाना में जाते हैं, वरना छोटे मोटे जो भी विवाद होते हैं तो गांव के चौपाल में बैठ कर उसको हम लोग सुलझा लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि 2007 से कोई क्राइम मतलब गांव में नहीं हुआ। जी जी, फिर यहां पर शिक्षा को लेकर भी हम लोग काम करते हैं, तो उसमें पहले यहाँ के बच्चे बात की बाहर जाकर नहीं पढ़ाई करते थे या हॉस्टलों में, तो अब हम लोग ऐसी प्रेरणा देते हैं कि यहाँ के बच्चे अब निकल के अच्छे शिक्षण संस्थानों में जाकर के और पढ़ाई कर पा रहे हैं। और मैंने सुना था कि आप नाइट क्लास के बारे में भी बात कर रहे थे कि यहाँ के जो बड़े लोग जो मतलब बुजुर्ग लोग जिन्होंने अपने समय में शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, तो आपने सोचा कि भाई उनको अब अभी शायद उसके बारे में विचाराधीन है या कुछ ऐसे? अभी उस पे हम लोग अभी विचार कर रहे हैं और कुछ काम किया भी है। अच्छा, तो जो पहले अंगूठा लगवाते थे अपने किसी कागज में, तो हम लोग अब उसमें थोड़ा सा हमको सफलता मिली है कि अब वो हस्ताक्षर कर पा रहे हैं। आप कर पा रहे हैं जो पहले? जी जी जी, तो बहुत हर्ष की बात है कि भाई गांव के जो बड़े किसान लोग हैं वो या फिर जिन लोगों ने अपने समय में पढ़ाई नहीं करी वो अब हस्ताक्षर कर पा रहे हैं। फिर एक महत्वपूर्ण इस गांव को जो जानते इस गांव को जिस नाम से, वो सोलर विलेज के नाम से। हाँ, मैं ये सवाल पूछने वाला था आपसे। तो यहाँ पर विद्या भारती का काम चलता है और भारत भारती शिक्षा समिति ने अपने CSR फंड से सोलर सिस्टम इस गांव में लगाया, तो इसमें प्रमुख मार्गदर्शन और जो सुझाव है वो श्री मोहन नागर जी का है, और इसमें जो फंड लगा हुआ है वो ONGC का है, भारत सरकार ONGC का। और वो जो प्रोजेक्ट लगाया वो IIT बॉम्बे ने लगाया, IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट पूरा इंस्टॉल करके। जी जी जी। अच्छा, तो इसमें मतलब सभी घरों में, मतलब इस गांव के आज के टाइम में सभी घरों में सोलर सिस्टम है? हाँ, सभी घरों में सोलर सिस्टम से खाना बन पा रहा है। आज शहरों में सोलर सिस्टम से खाना नहीं बन रहा, वो लोग बिजली से और गैस की मदद से खाना बना रहे हैं, तो गांव में ये चीज हो रही है, तो उन लोगों को देख के तो सच में बहुत ही अचंभा होने वाला कि अरे ये कैसे, मतलब गांव के लोग सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, बहुत उनके लिए। और मैंने देखा कि साफ सफाई इतनी अच्छी कि नाली एकदम चकाचक है और एक घर के सामने एक पन्नी नहीं मिली, हर घर के सामने डस्टबिन है, तो मतलब ये चीज मुझे शहर में भी देखने को नहीं मिलती है। और ग्रीनरी भी, मतलब हर घर के सामने प्लांटेशन हुआ है, मतलब ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है ये गांव एक तरीके से पूरे भारत को कि भाई साफ सफाई करना सरकार का काम नहीं है, पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, ये एक इंसान को अपने घर से ये काम करना है, मतलब एक इंसान को करना है। हमको हमारे घर से साफ सफाई शुरू करनी है, हमारे घर के सामने की रोड साफ करनी है, हमारे घर के सामने की नाली साफ करनी है, तब ये बड़े लेवल पे ये गांव जो है आज पूरे देश में पूरे राष्ट्र में अपना नाम जो रोशन कर रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ का एक एक नागरिक जागरूक है। और इसका काम जो है यहाँ पर अनिल जी और यहाँ के जो मुखिया है उन्होंने ये काम किया कि लोगों को बुला बुला के समझाया है, हमारे मतलब यहाँ के सचिव साहब जो भी पूरा जो उनका टीम है, ये टीम ये यहाँ पर वर्क कर रही है कि लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। तो तब से ये काम, मतलब कहने का मतलब कि सरकार के भरोसे इन्होंने नहीं छोड़ा हर चीज को, ये यहाँ पे लोगों ने ग्राउंड जीरो से काम करना स्टार्ट। गांव में बड़े बड़े लोगों का भी आना चालू हो गया। जनवरी 18 जनवरी को भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे सोलर एनर्जी के लोकार्पण के लिए, और अभी 3 अगस्त को हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल वो भी आए थे, और उन्होंने भी इस गांव को देखा और काफ़ी उन्होंने प्रकृति को देखकर खुश हुए और बहुत सारी कुछ सौगातें भी दी है इस गांव को। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद जी। आप है संजीव नामदे जी, इस एरिया के सचिव, तो इन्होंने ये माध्यम है, मतलब इन्होंने ही यहाँ के लोगों को जागरूक करने में इनका अहम योगदान है, तो आप बताएंगे इसके बारे में, गाँव के बारे में थोड़ा सा कैसे? मैं संजीव नामदे सचिव हूँ ग्राम पंचायत थदारा का, विकास खंड घोड़ा डूंगरी जिला बैतूल। हमको सबसे पहले तो गांव का बहुत सहयोग मिला। नहीं मतलब ऐसा बोलने में लगता है पर मतलब गांव के लोगों को जागरूक करके सफाई के लिए, वो भी ऐसे लोगों को भी जैसे इन्होंने बताया कि शिक्षा का स्तर इतना हाई नहीं था, शहरों में हम देखते हैं कि मास्टर डिग्री कर रहे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो गांव के लोगों में इंटरेस्ट पैदा करना एक बहुत कठिन कार्य रहा होगा आपके लिए। भाई इनको कैसे बताना है कि घर के सामने की साफ सफाई करो, कचरा घर रखो, है ना, ये चीजें आप लोगों को क्या मेहनत, काफी मेहनत की है आप लोगों ने, तो इसके लिए हम यहाँ पर बैठक बुलाते विधानसभा में जाते थे और अलग से बैठक भी बुलाते थे गांव वाले के। साफ सफाई में फिर आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई? हाँ, शासन से यहाँ नाले भी है, नाली निर्माण भी है, सोखता फीड भी है, PM आवाज भी 11 चल रहा है, प्रगति पर है, और चेक डैम का भी काम है, सिंचाई कपिल धारा भी है,
पशु पेयजल भी है और अब तो हम सभी घर पे रिचार्ज फिट बनवा रहे हैं सभी घरों में। गांव वाले का भी पूरा सहयोग है। अभी भी आप आज आए हैं, आज आपने भी गांव में घूम के देखा कि पूरी सफाई थी, रूटीन में आ गया कि रोज से उठ के आसपास की साफ सफाई करना। जी हाँ, इसमें सरपंच साहब का भी सहयोग है, अनिल भाई साहब का भी सहयोग है और हमारे सीओ साहब भी, जनपद की टीम भी आती रहती है, तो ये सब काम उनके मार्गदर्शन में, हमारे इंजीनियर मैडम के मार्गदर्शन में और हमारे इसमें सब काम हो रहा है। अच्छा लगा आपसे बात करके। जी धन्यवाद। तो दोस्तों ये हम देख रहे हैं सोलर पैनल, जो ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये वायर आया है जो बाहर चार पैनल लगे हुए थे, तो चार पैनल लगे हुए हैं तो ये क्या इसके कुछ करंट को यहाँ से कन्वर्ट करता है ना? जो प्लेट लगे हैं उसमें से ये इसके माध्यम से बैटरी में जाता है चार्ज होकर और फिर ये बिजली यहाँ। अच्छा जी, ये इसको आपने डायरेक्ट, इसकी बैटरी को जो सेव करती है एनर्जी, ये चार बैटरियां लगी हुई है इसमें। ये देखिए चार बैटरी लगी हुई है, दो इधर, अच्छा दो अंदर साइड पर, दो ये दो और ये दो, तो मतलब चार पैनल के साथ में चार बैटरी लगी हुई है और ये कुछ उसके चार्ज कंट्रोलर है और ये डाटा लॉगर है, डाटा लॉगर है और ये उन्होंने यहाँ पर इंडक्शन चूल्हे की मदद से, ये यहाँ पर ये देखो पानी भी गर्म हो रहा है, तो ये इंडक्शन भी वहीं से, मतलब ये पूरे सेट में पूरा इंडक्शन था ना ये, जिसमें उन्होंने एक तवा दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। और एक कढ़ाई है और एक कुकर है और एक ये मग्गा है। अच्छा, मतलब ऐसा करके कुछ चार पांच बर्तनों का सेट है। हाँ। मतलब पूरा बैटरी पैनल ये सब कंट्रोलर है, डाटा वगैरह ये सब जी। ये पानी ये देख रहे हैं आप, इसमें पानी गर्म हो रहा है, हो जाएगा अभी थोड़ी देर में गर्म, देखिए पानी गर्म हो रहा है, आवाज आ रही है हमको। तो इस तरीके से ये सोलर पैनल काम करता है और ये गाँव के एक एक घर में है। फ्रेंड्स, ये है गांव का पशु शेड जहाँ पर गायों को, जानवरों को पाला जाता है, यहाँ पर ब्लॉक बनाया गया है, यहाँ पर भूसा, आप देखिए यहाँ पर भी कितनी सफाई है। मतलब अभी दिन का टाइम है तो जानवर खींच, मतलब जंगलों में चले जाते हैं चरने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो उनको घास जंगलों में मिल जाती है, तो वो अभी के टाइम पे हरी घास चरने आते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ की सफाई, आप देख सकते हो कि सुबह जानवर गए हैं तो अभी यहाँ पर बराबर सफाई है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजों का ग्रामीण इसका ध्यान रखते हैं कि भाई कुछ भी हो, मतलब बारीकी से यहाँ पर साफ सफाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड साफ कर दी, नालियां साफ कर दी तो काम हो गया, नहीं। पशु शेड को भी आप देख रहे हो कितने सही तरीके से क्लीन कराए, कोई ऐसा यहाँ पर कचरा नहीं दिखेगा। ये है इस गाँव की नाली, आप नाली को देखिए, यहाँ की नाली में आपको बिल्कुल कुछ कचरा नजर नहीं आएगा, एकदम साफ सुथरी नालियां नजर आएगी, क्योंकि देखिए आप किस तरीके से स्लोप में नाली बनाई गई है, कचरा नहीं दिखाई देगा, एकदम बराबर चकाचक नाली। ये क्या है? ये क्या की प्लेट है? ये खाना बनाने की प्लेट है। हाँ। इसी से खाना बनाते हो आप? ठीक, तो ये मशीन से क्या खाना बनाते हैं क्या? हाँ। पूरा खाना बन जाता है इससे? हाँ, बस रोटी नहीं आती, बाकी पूरा खाना बन जाता है ना। चलो चलो, वेरी गुड यार। फ्रेंड्स, ये है, ये बना हुआ है नाडेप। इस गांव में बहुत सारी जगहों पर मैंने अभी नाडेप देखा, मतलब मैंने अभी सात आठ जगहों पर इसको देखा, तो मैंने पूछा यहाँ पर ये क्या है, तो उन्होंने बताया मुझे कि नाडेप है, इसके अंदर जो है गड्ढों में ये लोग जितना भी एनिमल स्क्रेटा है, मतलब जो भी गोबर वगैरह है उसको यहाँ पर डालते हैं, जो भी पत्ती वगैरह है, और फिर बाद में इसको ले जा करके एक खाद बन जाती है, खाद के रूप में फिर इसको ले जा करके खेतों में ये लोग फैला देते हैं, जिससे ये एक तरीके से खाद का काम कर लेता है। तो मतलब आप अपने कचरे को रीयूज कर ले रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं हेडपम्प, और ये हेडपम्प नॉर्मल हेडपम्प नहीं है, इसको हेडपम्प रिचार्ज फिट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाला इतना ही वेस्ट पानी है ना, वो तो पानी आकर इस गड्ढे में उसको जमा कर लेते हैं, ये वापस जमीन में जाता है और फिर वापस से इसको रिसाइकल कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये मैं आ गया हूँ बाचा गाँव के एकदम दूसरे वाले लास्ट छोर पे। ये देखो यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है, मतलब जो पूरा इधर जंगल से जो पानी बह के आता है, यहाँ पर बोरी बंधन करके पानी को पूरा रोक लेते हैं, और इस वजह से यहाँ पर पानी ही पानी है। और ऐसा बता रहे कि यहाँ पर एक कुआ है, मैं उस कुएं में भी ले चलूँगा आपको। ये पशु पेयजल यहाँ पर बना हुआ है, एक पशु पेयजल जो मैंने आपको एकदम जब पहले बताया था, जब हम गांव में घुस रहे थे तब एक पशु पेयजल था, मतलब गांव में घुसते साथ पहला पशु पेयजल पड़ता है सबसे पहले, और फिर ये एंड में, मतलब अगर पशु कहीं से भी आ रहा है गाँव में तो आपको उसको सबसे पहले पानी पीने के लिए पशु पेयजल मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस कुएं में कितना पानी है, तीन मोटर लगा करके इस कुएं को खाली किया था, और फिर इसमें जो है पानी, मतलब ये जो इसकी बंधाई की गई थी तब जाके इसकी बंधाई कंप्लीट हुई है, और गर्मी के मौसम में भी इसमें कभी पानी मतलब ख़त्म ही नहीं होता, और वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर ये लोग वाटर को रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं मतलब जो पानी आ रहा है उसको सेव कर रहे हैं बोरी बंधन के थ्रू, जैसा मैंने आपको बताया था ये पीछे जो आ रहा था,
और यहीं पर आगे स्टॉप डैम भी है, इस साइड आगे पर स्टॉप डैम बना हुआ है, तो वहाँ पहले पानी को रोकते हैं, फिर दूसरी बार यहाँ पर पानी को रोकते हैं, तो इस तरीके से पूरा पानी यहाँ पर रोका जाता है। और ये जो योजना है इसका बोलते हैं कि भाई घर का पानी घर में और गांव का पानी गांव में, मतलब जो गांव का पानी है वो गांव में ही रहे और जो घर में जो पानी हो रहा है वो घर में ही रहे। सभापति जी, बैतूल जिले की बांछा गांव हम गया था, घोड़ा डुंगरी ब्लॉक बैतूल जिले में, हमको सौभाग्य मिला अनिल उइके नाम के एक गोंड समाज की एक व्यक्ति की घर में उस माता को दर्शन, उसकी पत्नी को दर्शन करने के लिए हमें मौका मिला। उसके घर में क्या क्या है उनको चाय पिया मैंने, उनके घर में बहन जी हमको चाय पिलाओगे, बड़े आदर के साथ हमको चाय पिलाए। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला है, बिजली पहुंची है, एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में पहुंची है, सोलर लाइट पहुंची है, सोलर कुकर पहुंची है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा आपको हमारा ये आदर्श ग्राम बांछा का नॉलेजेबल वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।